कीमा करेले हैं व्यूवर्स, ऐसे बेहतरीन करेले, कीमा करेले आज तक मैंने कम से कम आउटसाइड रेस्टोरेंट में नहीं खाए। ये शाही दाल है मीर साहब की और देसी घी का तड़का लगा हुआ है, इंतहा टेस्टी है। व्यूवर्स, ये लिबलानी मटन है, तो मियाँ साहब हमारे साथ ही बैठे हैं, तो उन्होंने स्पेशल ये टेस्ट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया। आज फर्स्ट टाइम मैं ये खा रहा हूँ, मैंने आज से पहले ये डिश नहीं खाई। से है ये रेस्टोरेंट आपका? ये इसको तकरीबन 14 साल हो गए, 14 साल तजर्बा हमारा, 70 साल है। माशाल्लाह, इसे बड़ा साफ सुथरा करके रखा हुआ है। कम दूध में तकरीबन 1.5 चावल डाल, चिकन बोनलेस बन रही है। जनाब, हमने अपने लिए मस्जिद बनाई है, मुसाफरों के लिए पानी गर्म ठंडा सही, और इसी तरह वहाँ पे वॉशरूम भी है, वॉशरूम अपने घर से भी साफ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पेशावर से इस्लामाबाद आते हुए मियाँ जी के होटल पे हमने लंच किया था और आज उसका मैं फूड रिव्यू आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। स्क्रीन पर आप इनका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का मेन्यू देख रहे हैं, मगर इससे पहले व्लॉग शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। दाल है मियाँ साहब की, और ये कह रहे हैं कीमा और करेले और ये सब्जी। व्यूअर्स, लाल आटे की ये रोटी और ये अच्छे खाने हाईवे पे मिलना जो है ये एक नेमत है। ये कीमा करेले हैं व्यूअर्स, ऐसे बेहतरीन करेले, कीमा करेले आज तक मैंने कम से कम आउटसाइड रेस्टोरेंट में नहीं खाए। बहुत ही टेस्टी हैं, कभी भी इधर आए तो आप जरूर ये टेस्ट करें। ये शाही दाल है मीर साहब की और देसी घी का तड़का लगा हुआ है, इंतहा टेस्टी है। ये मिक्स वेजिटेबल है तो बहुत ही मज़ेदार ताज़ा बनी हुई है, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। ये लिबलानी मटन है, तो मियाँ साहब हमारे साथ ही बैठे हैं, तो उन्होंने स्पेशल ये टेस्ट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया। आज फर्स्ट टाइम मैं ये खा रहा हूँ, मैंने आज से पहले ये डिश नहीं खाई। लिबलानी मटन, ये शाही पराठा आ गया, दाल भी शाही पराठा और शाही दाल। तो आए व्यूअर्स, आपके मियाँ जी से मुलाकात कराते हैं और जानते हैं इस होटल के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, कैसे? ठीक है, बड़ी खुशी हुई। मैं पेशावर से इस्लामाबाद जा रहा था तो आपका रेस्टोरेंट देखा है, तो काफी सुना था इसके बारे में। अभी आज हम खाना खा रहे हैं इधर, तो यूट्यूब के ऊपर मेरा एक चैनल है, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी इंट्रोड्यूस करूंगा, बताऊंगा अपने रिमार्क्स वगैरह जो है। तो अल्लाह ताला खुश रखे आपको, इस तरह हाईवे के ऊपर एक अच्छी चीज मिलना ये एक बड़ी नेमत है। जी जी, कब से है ये रेस्टोरेंट आपका? ये इसको तकरीबन 14 साल हो गए, 14 साल तजर्बा हमारा, 70 साल। आपका नाम क्या है मियाँ जिससे तो आप मशहूर? मेरा नाम मियाँ नसीर अहमद है। मियाँ नसीर अहमद, ठीक है। तो हम बिलोंग करते हैं हाफिजाबाद। हाफिजाबाद, ठीक है। गुजरांवाला के साथ होता था डिस्ट्रिक्ट के साथ, अब वो खुद डिस्ट्रिक्ट बन गया। सही। तो ये कितने अरसे से है ये होटल? ये तकरीबन 14 साल से। 14 साल से। और कोई ब्रांच है आपकी? जी जी, एक अहमदाबाद में, एक रवात में है, और एक ये हसन अब्दाल में है। मशहूर मियाँ जी पंजाब होटल हसन अब्दाल वाले, ठीक, इससे मशहूर है ये जी। चले अल्हम्दुलिल्लाह, एक बिलोंग अपना नया लॉन्च कर रहे हैं, इसको 26 नंबर इस्लामाबाद में, 26 नंबर इस्लामाबाद, ईद के 10-15 दिन बाद छुट्टी, ठीक है। इंशाल्लाह ये भी मैं मेंशन करूंगा, जो आपने एड्रेस बताया व्यूअर्स को बताएंगे कि ये ओपन हो रही है एक नई ब्रांच इनके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जो आता है वो अपने साथियों दोस्तों को भी लेके आता है, इसमें अल्लाह की रहमत है, और पकीजा खाना देते हैं, और जो चीज जिसके पैसे। टाइमिंग क्या? 24 घंटे खुला रहता है? जी जी, रमजान पूरा बंद। अच्छा, 24 घंटे कुसहरी अफतारी रात के खाने का कुछ भी नहीं है? रमजान में टोटल बंद है, बाकी 24 घंटे। तो ये मैं अभी जीटी रोड का व्लॉग कर रहा हूँ पेशावर से इस्लामाबाद, तो इंशाल्लाह हम ये बंदों को बताएंगे कि अगर रस्ते में आप रमजान के अलावा आए इधर,
तो जरूर इधर पकीज़ा लोग मरी मुर्गियाँ कराती हैं, जानवर गंदे कराते हैं। सही सही, इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम। मियाँ साहब अपने ऑफिस से हमारे पास ही आ गए जहाँ हम खाना खा रहे थे, और हमारे और भी कुछ उन्होंने डिशेज जो इंट्रोड्यूस करवाई। अच्छा मियाँ साहब, ये जो पराठा अभी लेकर आए हैं, ये शाही पराठा कहलाता है जी। क्या चीज इसमें डली हुई है? ये इसमें दूध होता है और ये वाइट आटे से बनता है। सही, देसी घी होता है। सही, तो इसके अंदर और कोई वेजिटेबल, आलू या और कोई चीज वो नहीं डली होती? वाला भी ले तो फिर आपको पता चलेगा। अंडे नहीं होते? अंडे नहीं, नहीं जूट वाला काम इंशाल्लाह ना। लोग तो बहुत कुछ बताते हैं। शाही पराठा दाल के साथ लेंगे और मजा आएगा। अभी आपने रोटी खा ली, वरना आपने रोटी खुवा देनी थी, पराठे खा दे। मियां साहब कह रहे हैं दाल के साथ ये बहुत मजा आएगा, शाही दाल के साथ देखें। इंतहाई मजेदार। खाना खाने के बाद मियां साहब ने जो है स्पेशल चाय का ऑर्डर दिया, जो कि बहुत ही मजेदार बनाई गई थी। अच्छा, इधर यानी जमात करने का सिस्टम है सारा? जी जी, जी आपको मस्जिद भी देखें। माशाल्लाह, ये वाला क्या है इधर? यानी अगर ज्यादा गेस्ट कोई आने हैं तो 200 बंदा जो है ना एट ए टाइम, वो पीछे हाल है। सही सही, भी लोग जो आते हैं ना कहते हैं हमें सेपरेट बैठा दे। अच्छा, यहाँ आई जी डी आई जी, ये बिल्कुल एक अलग आपने बनाया हुआ है इधर। ये मैंने आपको बताया ना, मैंने मियाँ जी ने तफसील के साथ पूरे होटल का विज़िट भी करवाया, जगह की और जो इनके मुलाजमीन थे उनकी सारी तफसील भी बताई। अच्छा, कटिंग वगैरह। फिर उसके बाद मियाँ साहब ने पूरे किचन का विज़िट करवाया, जो वहाँ पक रहा था, किस तरीके से यहाँ पे स्टॉक करते हैं सारी चीज़ें, जो कि देख के बड़ी खुशी हुई कि इंतहाई सफाई थी यहाँ पे, चूँकि उनको ये पहले सिलम नहीं था कि हम यहाँ आने वाले। मियाँ साहब, जो बड़े बड़े जो पतीले रखे हैं इसमें क्या बन रहा है? ए, खीर बन रही है किच। अच्छा, दुध। अच्छा जी, बस दुध होना है 4 बजे। सही, उसके बाद फिर आएगा ये बड़ी खुशी हुई है मियाँ साहब, ये तो वो चीजें हैं जो सब बंदे नहीं देखते, यानी आपने कवर करके माशाल्लाह बड़े साफ सुथरे तरीके से रखे हुए। ये खीर बना रहे हैं बहुत साफ सुथरा फ्रीजर, और आपने अंदर भी बकायदा उसे प्लास्टिक में कवर करके रखा। मशीन लगाई है खुद कीमा बनाने अपना। सही, मसाई को अपना कीमा खुद बनाते हैं। बस उससे उधर देख चक्कर लगा के 8 घंटे खीर बन रही है। अच्छा, 8 घंटे में तैयार हो गई? ये वही खीर जो हमने टेस्ट की है। ये कितना दूध है और कितनी बनेगी इससे? ये 1 मन दूध में तकरीबन 1.5 पाव चावल डाल। 1 मन दूध में 1.5 पाव चावल, और ये कितनी देर में बनेगी? 8 घंटे। 8 घंटे में अच्छा भैया साहब, जैसे बंदा अभी तो गुजरता है तो उसमें जैसे आम सब्जियां हैं, क्या क्या आइटम होते हैं आपके पास सारे? जरा इसके एक राउंड करके देखिए। ये ओपन सिस्टम है सारा। अच्छा, बारबेक्यू दिन में भी होता है या सिर्फ रात में? 24 घंटे तकरीबन। नहीं, रात 2 बजे बंद कर देते हैं बारबेक्यू, कस्टमर कम हो जाता है ना फिर। अच्छा अच्छा, बाकी दिन में अवेलेबल है। ये आप ये मटन कोरमा है, ये खत्म हो गया है, ये फ्रेश पकेगा पीछे। और यही चीजें कोफ्ते, मटन कोरमा, वेजिटेबल सब्जी, करेला कीमा, मटन कढ़ाई। करेला कीमा तो बहुत ही मजेदार है जो मटन कढ़ाई कीमा। ये लबनानी मटन है। और ये कुकर में क्या पक रहे?
देखी लाया देसी मुर्ग, देसी मुर्ग बनाने हैं देसी को। और ये कढ़ाई में ये चिकन बोनलेस है, चिकन बोनलेस बन रही है। ठीक है मियाँ साहब, बड़ी खुशी हुई है, मेरा बहुत दिल खुश हुआ है, खाना भी बहुत मज़ेदार है, चाय भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी थी। अच्छा ये मस्जिद है माशाल्लाह, जनाब हमने अपने लिए मस्जिद बनाई है, मुसाफिरों के लिए पानी गर्म ठंडा सही और इसी तरह वहाँ पे वॉशरूम भी है, वॉशरूम अपने घर से भी साफ, लेडीज और सब अलग है, सात जेंट्स हैं सात लेडीज हैं और ये मस्जिद है साथ 14 वॉशरूम है, अगर इकट्ठे लोग भी जब 200-300 बंदा आता है तो। अच्छा 14 वॉशरूम है यहाँ पे, दो एसी लगे हुए मस्जिद पे, गर्मियों में एसी चलती है, 12 बजे से रात 2 बजे तक भी चले, नमाजी आ रहे जा रहे आ रहे, वो कहते हैं फिर खुश होते हैं ना। सही सही, गर्म पानी गर्मियों में एसी गर्मियों में। मियाँ साहब देखें लोगों का आप इतना ख्याल करते हैं तो अल्लाह ताला ने बरकत डाली हुई है और दूर दूर से लोग आते हैं, तो मैं तो आज फर्स्ट टाइम आया हूँ, नाम आपका मैंने सुना था तो आज दिल बहुत ही खुश हुआ है, खाना खाया है बड़ा मज़ा आया और आपसे मिलकर उससे ज़्यादा मज़ा आया, तो बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर एयर कंडीशनड फैमिली हॉल भी मौजूद था जिसके साथ ही ख्वातीन के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए अलग जगह बनाई गई, पिक्चर गैलरी भी मैंने देखी जहाँ बहुत मशहूर शख्सियात यहाँ आई हैं, ये नुमान एजाज को देख रहे हैं आप, पीटीआई की क्यादत शेख रशीद साहब के साथ और ये नून लीग की भी क्यादत जो है मियाँ जी के साथ हाथ बांध के खड़ी हुई। व्यूअर्स आज का ये मियाँ जी का फूड रिव्यू व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले मज़ीद वीडियोज़ आपको मिल सकें।